हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली के लिए मैंने बहुत टेस्टी और आप बिल्कुल मार्केट जैसी फटाफट से बनने वाली गुजिया की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें मैं हल्का सा एक चुटकी नमक डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने भर के, ये देसी घी है, मेल्टेड घी है, ये देसी घी, आप रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हमें रब करना है, बहुत अच्छे से इसको, और इसकी क्रमलिंग कंसिस्टेंसी तक हम इसको लेकर आना है। मैं दिखाऊंगी कि इसकी क्या पहचान होती है, उससे आपकी गुजिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। हम जब इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो इसकी इस तरह से इसका एक डो फॉर्म में आ जाना चाहिए। ये इट मीन्स कि हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप पानी के साथ हम इसका सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। आप चाहे तो पानी का यूज़ कर सकते हैं या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉफ्ट डो लगा लिया है, अब इस डो को हम ढक करके 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे। अब इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब ये घर का मावा है फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया था, अभी अच्छी तरह से भून करके ले लिया। अब इसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, कटे हुए पिस्ता, चिरौंजी और 2 चम्मच शुगर पाउडर लिया है मैंने। आप बूरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट इसमें किसी का भी इस्तेमाल कर, चीनी मैंने इसमें कम डाली है क्योंकि हम इसे चाशनी वाली बना रहे हैं। और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया है और 10 से 15 किशमिश है ये, इसको मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं आप वो ले सकते हैं। फिलिंग हमारी रेडी है। चाशनी के लिए मैंने 1/4 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है मैंने। अब इसको चीनी को घुलने तक इसको पिघलने देंगे, चीनी मिलने तक। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 4-5 धागे केसर के धागे और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है मैंने। अब इसको चाशनी इतनी पकानी है कि वो चिपचिपी हो जानी चाहिए, बस इतनी ही चाशनी हमें लगनी है, इसको तार नहीं बनाना हमें इसका। ये देखिए चिपचिपी हो गई है, चाशनी भी हमारी रेडी है, बिल्कुल चिपचिपी हो रही है ये। अब आटे की तरफ चलते हैं। आटे को थोड़ा सा स्मूथ करके हम इसके स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। अब इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है इसको, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब इसको कोई एक इक्वल शेप देने के लिए इसको एक कटोरी से या किसी भी मेजरमेंट से आप उसको कट कर लीजिएगा ढक्कन से। अब इसमें हम फिलिंग को भरेंगे जो हमने फिलिंग रेडी किया है। फ्रेंड्स, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मीठा इसलिए कम डाला है मैंने इसमें क्योंकि हम इसे चाशनी वाली बनाएंगे। अब इसको किनारे को इस तरह से दबाते हुए हाथ से हल्का सा, अगर नहीं दब रही हो आपसे तो आप इसको या तो कटर की सहायता से इसको भी बना सकते हैं, नहीं तो उसको इस तरह से जिस तरह से मोड़ मोड़ कर बनाना है ऐसे बना सकते हैं। पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपसे नहीं बंधने में देखो चिपकने में दिक्कत हो रही है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्लरी बना सकते हैं। इसको देखिए इस तरह से मैंने गुजिया को और कपड़े से ढककर ही रखेंगे ताकि गुजिया ख़राब ना हो, और सारी गुजिया बनाकर रेडी कर ली है। अब रिफाइंड को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। रिफाइंड है देसी घी, किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो फ्लेम ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज में आप गर्म कर देंगे तो एकदम से इसमें से बबल्स हो जाएंगे और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। सभी गुजिया को हम बहुत धीमे आँच पर हमें इसको फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में, तभी ये गुजिया आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। बस हम इसको निकाल लेंगे और जो हमारी चाशनी गरम गरम चाशनी में ही हमें इसको डिप करना है। अब बहुत ज़्यादा डिप हम नहीं करेंगे इसको, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको हम चाशनी में डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको डिप नहीं करना है बहुत देर तक क्योंकि हमने अंदर भी इसमें चीनी डाला है। अब इसको एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी चाशनी है वो इसमें बिल्कुल बाहर निकल जाए। अब रेडी हो गई है हमारी। अब इस पर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा सा इसके करने के लिए तो मैंने इस पर ये चांदी का वर्क और थोड़े से पिस्ता से इसको गार्निश किया है। सिंपल भी रखा है कुछ, थोड़े से मैंने पिस्ता लगा दिया था और ये चांदी का वर्क लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।